Two conducting spheres of radii R1 and R2 are kept at a very far distance from each other. What are their individual capstans? तो एक कैपस्टर ये है, इसकी शेप है स्फेरिकल, इसकी रेडियस है R1 और सपोज करते हैं कि इस पे चार्ज Q1 है. कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा Q/V, क्योंकि इस पे चार्ज Q1 है और लेट इसका वोल्टेज V है. तो पोटेंशियल जो होगा इस स्फेयर का इसके खुद के चार्ज की वजह से वो होगा K Q1/R. Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इसका कैपेसिटेंस आ जाएगा 4πε₀R1, जो कि एक आइसोलेटेड स्फेयर का भी क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है. तो दूसरा जो स्फेयर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है, तो दूसरा जो स्फेयर है उसका कैपेसिटेंस भी इतना ही होगा. वो होगा C2 = 4πε₀, उसकी रेडियस होगी R2. तो दूसरे का ये हो जाएगा कैपेसिटेंस 4πε₀R2. नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द स्फेयर्स आर कनेक्टेड बाय अ स्मॉल मेटल वायर, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, थिंक इन टर्म्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल. अगर आपने दो स्फेरिकल कैपेसिटर्स को या दो कंडक्टर्स को भी टच कर दोगे आप, तो क्या होगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा. और व्हेन दे आर कंडक्टेड, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन विल टेक्स प्लेस. अंटिल कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल, दोनों सेम लेवल पे ना आ जाए, सेम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पे ना आ जाए, तब तक क्या होगा, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा. तो जिस कॉमन पोटेंशियल पे वो आ जाएंगे, सेम पोटेंशियल पे वो आ जाएंगे स्फेयर्स, उस पोटेंशियल को हम कहेंगे कॉमन पोटेंशियल. अब क्योंकि दोनों किस में आ चुके हैं, सेम पोटेंशियल पर, सेम पोटेंशियल कब होता है दो कंडक्टर्स का, जब दोनों को आप कैसे लगाते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में. सो दे विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन और उनका सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, C1 + C2, जो कि हमको फॉर्मूला पता ही है. इंडिविजुअल कैपेसिटेंस था 4πε₀R1 और 4πε₀R2, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 4πε₀R1 + R2. थैंक यू.